हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वील स्टार्ट विद द टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। इन आर प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, जिसमें कि हमने पढ़ा था कि मेटल्स जो होते हैं डक्टाइल होते हैं, मैलिएबल होते हैं, और बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। नाउ वील डिस्कस द केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज जो मेटल्स की होती हैं वो बेसिकली होती किसकी वजह से, बिकॉज दे आर वेरी दे आर हैविंग अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। अगर हम मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो मेटल्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में उनके लास्ट शेल के अंदर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे कि सोडियम का एग्जाम्पल भी हमने कल लेके देखा था, इसका एटमिक नंबर 1 होता है, इसका लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मैग्नीशियम की बात करें 12, सो इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। एल्यूमिनियम की बात करें 13, इसके लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। तो बेसिकली मेटल्स आर दोज सब्सटेंसेस और दोज थिंग्स विच आर हैविंग 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर लास्ट शेल, और यू कैन से वैलेंस शेल। तो मेटल्स की मेटल को हम कहते हैं कि मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब क्या है? कोई भी चीज़ या कोई भी मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव तब होता है बिकॉज इट इज़ हैविंग आ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, और जितना ज़्यादा टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन लूज करने की उतना ही इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा कोई भी मेटल, और जितना इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा उतना ही रिएक्टिव भी होगा। ये हम किस चीज़ से समझ सकते हैं कि अगर हम पीरियोडिक टेबल देखें तो पीरियोडिक टेबल में 1, 2, 18 ग्रुप्स हैं, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18, 18 ग्रुप्स हैं, 1 से लेकर 18 तक ग्रुप्स हैं। और इन ग्रुप्स में आपका यहाँ से हम स्टार्ट करें तो हाइड्रोजन, देन हीलियम, उसके बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, देन कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, इस तरीके से एलिमेंट्स को रखा गया है। तो जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है उसमें देखें तो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में, पहले ग्रुप में 1 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, दूसरे ग्रुप में 2 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, तीसरे ग्रुप में 3 ग्रुप हैं वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन। तो ये देख रहे हैं हम कि इन जो इधर से अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी मेटल की जो है वो कम होती चली जाती है, इट डिक्रीजेस। इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी डिक्रीजेस क्यों? क्योंकि इधर देख रहे हैं आप 14 से लेके 18 तक नॉन मेटल्स ही हैं, सारे मेटल जो हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में ही रखे गए हैं, तो इसलिए इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी यहाँ से यहाँ जाते हैं हम तो डिक्रीज होनी चली जाती है। इसका मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी डिक्रीज हो रही है तो टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन भी डिक्रीज हो रहा है, और मेटल की जो टेंडेंसी लूज इलेक्ट्रॉन लूज करने की डिक्रीज हो रही है, तो मेटल के केस में अगर हम बात करें तो उसकी रिएक्टिविटी भी डिक्रीज हो रही है। तो मतलब अगर इन दो ग्रुप्स की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, आगे धीरे धीरे जैसे ही हम जाते हैं तो रिएक्टिविटी करस्पॉन्डिंग अपने पिछले वाले ग्रुप के एलिमेंट से या मेटल से कम होती चली जाती है। किसी की भी मेटल की जो केमिकल प्रॉपर्टी है इट टोटली डिपेंड ऑन इट इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, क्योंकि मेटल खुद इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है और इलेक्ट्रॉन को लूज करके वो खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाता है और दूसरे को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि रिएक्शन विद ऑक्सीजन है। अगर हम बात करें ऑक्सीजन से रिएक्शन की तो मेटल जो होते हैं दे इजीली रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड। तो पहला रिएक्शन है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी इज रिएक्शन विद ऑक्सीजन, और कभी भी कोई भी मेटल हो या नॉन मेटल हो इट ऑलवेज फॉर्म्स ऑक्साइड।
मेटल है तो इट विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड। ठीक है, तो अगर हम रिएक्टिविटी के रेफरेंस में देखें तो जो मेटल लेफ्ट साइड में प्रेजेंट हैं फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के मेटल्स, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं इसलिए बहुत जल्दी ऑक्सीजन से कंबाइन कर जाते हैं और कंबाइन करने के बाद ऑक्साइड बना देते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम राइट हैंड साइड में बढ़ रहे हैं पीरियोडिक टेबल की, तो ऑक्सीजन से जो रिएक्शन होता है उसका एक तो स्पीड भी कम हो जाती है, दूसरा बहुत धीरे धीरे रिएक्शन होती है ऑक्सीजन से एंड इट फॉर्म ऑक्साइड्स। तो पहला जो हम रिएक्शन दिखा रहे हैं जो हम लेफ्ट साइड में जो था लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, तो अगर हम सोडियम के साथ इसका रिएक्शन डिस्कस करें तो सोडियम Na इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड Na2O जो कि कहलाता है आपका सोडियम ऑक्साइड। तो ये आपका सोडियम ऑक्सीजन और जो सेम जैसी प्रॉपर्टी सोडियम की होती हैं वैसे ही सेम प्रॉपर्टीज पोटेशियम की भी होती हैं। तो अगर हम पोटेशियम के साथ इसका रिएक्शन दिखाएं विद पोटेशियम, सो पोटेशियम आल्सो फॉर्म्स द सेम कंपाउंड K2O, इट इज पोटेशियम ऑक्साइड। तो ये हो गया आपका पोटेशियम ऑक्सीजन, इट इज पोटेशियम ऑक्साइड। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम ये दोनों जो हैं ऑक्साइड बना लेते हैं। और आपको पता ही है कि सोडियम और पोटेशियम रिएक्टिविटी सीरीज में भी सबसे ऊपर वाले मेटल्स में आ जाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं। तो जैसे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं रिएक्शन बहुत ज़्यादा रेडिली होती है और बहुत ज़्यादा मतलब रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्शन कर जाते हैं और ये बर्न करना स्टार्ट कर देते हैं, दे बर्न विद अ फ्लेम। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, तो जब इनकी रिएक्शन कराई जाती है बेसिकली सोडियम और पोटेशियम की, तो ये रिएक्टिव होने की वजह से ही इनको केरोसिन के अंदर भी स्टोर करके रखा जाता है, क्योंकि जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं दे स्टार्ट बर्निंग। इसीलिए इनकी जो रिएक्शन होती है बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड कंडीशंस में कराई जाती हैं, बहुत जल्दी से इनको रिएक्ट नहीं करा जाता है। अब अगर हम देखें कि ये सोडियम ऑक्साइड है और ये है पोटेशियम ऑक्साइड, मान लो हमने इसको पानी के अंदर डिसॉल्व किया, तो पानी के अंदर डिसॉल्व करने के बाद ये बना लेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड जो है इट विल फॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दे बोथ आर कॉल्ड एल्कलीज, पानी के अंदर पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाते हैं ये दोनों और इन दोनों बेसिस को हम कहते हैं एल्कलीज। ये दोनों एल्कलीज की कैटेगरी में आते हैं। तो ये रिएक्शन था सोडियम और पोटेशियम के साथ। तो सोडियम और पोटेशियम के साथ रिएक्शन कराते हुए हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जब हम रिएक्शन करा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस हमको लेने चाहिए, बिकॉज ये दोनों मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं। तीसरा जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद मैग्नीशियम, जो कि हम लैब्स में भी इसको बहुत ज़्यादा परफॉर्म करते हैं इस एक्सपेरिमेंट को। मैग्नीशियम के साथ फर्स्ट चैप्टर में भी आपने पढ़ा था, ये एक्टिविटी आपके फर्स्ट चैप्टर में भी थी कि अगर मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन कराया तो मैग्नीशियम जो है लैब में रिबन के फॉर्म में होता है, वाइट कलर का रिबन होता है ये। सो व्हेन इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, मैग्नीशियम इज आल्सो अ वेरी रिएक्टिव मेटल, ये रिएक्ट करेगा एंड इट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। हर एक मेटल ऑक्साइड बना रहा है तो मैग्नीशियम भी मैग्नीशियम ऑक्साइड ही बना लेगा, सो इट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है ये जो इसकी फ्लेम होती है ये वाइट कलर की वाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ जलता है। डेजलिंग फ्लेम का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा ब्राइट फ्लेम होती है इसकी। तो फ्लेम कलर्स भी हमको ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि एग्जामिनेशंस में ये भी पूछ लिया जाता है व्हाट विल बी द कलर ऑफ दिस फ्लेम, और इसमें बेसिकली इसमें क्या है कि जो रेजिड्यू बनेगा, ये जो रेजिड्यू होगा ये रेजिड्यू आपका वाइट कलर का ही बनता है, जो ऐश बन रही है मैग्नीशियम ऑक्साइड की
ये एक सॉलिड कंपाउंड है जो कि वाइट कलर की एक ऐश यहाँ पे बनी हुई। ठीक है, तो ये मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम रिबन की एक्टिविटी भी हमारे 10th क्लास के कोर्स में आ जाती है। तो मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, और यही मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो वाइट कलर की एक ऐश जो है वो पाउडर जो है बचा हुआ रह जाता है आफ्टर बर्निंग। तो बेसिकली क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मैग्नीशियम रिबन को हम जब भी जलाना होता है तो हम इसको सैंड पेपर से रब करते हैं, तो व्हाई इट इज़ नेसेसरी टू रब इट विद सैंड पेपर? क्योंकि मैग्नीशियम क्या है, एक रिएक्टिव मेटल है, तो ये एटमॉस्फेयर की ही ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है, करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बना लेता है। इसको मैग्नीशियम का जो रिबन है, अगर ये एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाए तो इसके ऊपर एक लेयर आ जाती है बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट। ये जो बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट है ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि फर्दर मैग्नीशियम के रिएक्शन को नहीं होने देती है। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, मैग्नीशियम के रिबन को पहले इसको हमें रब करना पड़ता है सैंड पेपर से, जिसके जिससे इसके ऊपर की जो लेयर है वो हट जाती है और हम फिर इजीली इसको रिएक्ट करा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन वी विल डिस्कस विच इज ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक। ये थोड़ा सा स्पेशल रिएक्शंस हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर हम बात करें एल्यूमिनियम और जिंक, तो एल्यूमिनियम और जिंक रिएक्ट करते हैं लेकिन उतने क्विकली रिएक्ट नहीं करते हैं, धीरे धीरे बर्न करते हैं, धीरे धीरे हीटअप होते हैं ये, एंड इट बर्न इन एयर ऑन हीटिंग। मतलब आप उसको एल्यूमिनियम को जब थोड़ा हीट हो जाएगा उसके साथ ही ये रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ, एंड इट विल फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और अगर जिंक की बात करें तो जिंक विल फॉर्म अ जिंक ऑक्साइड। हाँ जी, सो रिएक्शन विद एल्यूमिनियम तो एल्यूमिनियम जो है अगर हम बात करें तो ये 13th ग्रुप में है, 13वें ग्रुप में है पीरियोडिक टेबल के, और इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये सोडियम और मैग्नीशियम या पोटेशियम से अगर हम कंपेयर करें तो उतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, रिएक्टिव मेटल की कैटेगरी में तो आता है लेकिन सोडियम और मैग्नीशियम से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। तो ये जब रिएक्ट करता है तो ये धीरे धीरे हीट करने पे, जब हम इसको हीट करते हैं तभी ये रिएक्ट कर पाता है, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम तो कॉन्टैक्ट में आते ही रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, तो एल्यूमिनियम जो है इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, अब 2, 3 एंड दिस इज 4। ठीक है, अब ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है। क्यों हम इसको प्रोटेक्टिव लेयर कह रहे हैं, क्योंकि अब अगर एक बार एल्यूमिनियम के कोई भी आर्टिकल है, एल्यूमिनियम का कोई भी बर्तन है, अगर उस पर ऑक्साइड की लेयर आ गई ये एक बार ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, तो फर्दर फिर उसका रिएक्शन जो है वो रुक जाता है, किसी भी मतलब रेस्टिंग नहीं होगी एटमॉस्फेयर में, जो मॉइस्चर है उससे वो रिएक्ट नहीं करेगा। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर। अब ये जो लेयर है इसको बेसिकली इसका कमर्शियल यूज़ है एनोडाइजिंग में। बेसिकली एनोडाइजिंग क्या है, जैसे गैल्वेनाइजेशन हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में कि गैल्वेनाइजेशन क्यों यूज़ हो रहा है, कि जो आयरन के आर्टिकल्स होते हैं हम उनके ऊपर जिंक के लेयर चढ़ा देते हैं उसको रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए। इसी तरीके से एल्यूमिनियम के आर्टिकल्स के ऊपर अगर हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ा दें तो वो फर्दर उसके कोरोजन को रोक देती है। तो बेसिक एनोडाइजिंग क्या है, इट्स अ डिपोजिशन ऑफ अ लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड on aluminium article, deposition of layer of aluminium oxide on articles, aluminium articles के ऊपर। तो ये एक क्या है, electrochemical process है, ये electricity की help से किया जाता है। इसमें basically क्या किया जाता है कि एक कंटेनर ले लिया जाता है, उस कंटेनर के अंदर एक एनोड बना दिया जाता है और दूसरा कैथोड बना दिया जाता है।
इस तरीके से एक कंटेनर ले लिया जाता है जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन हमको करानी है। यहाँ पे हम एनोड बना देते हैं, एनोड को बहुत बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया जाता है और कैथोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से हम कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हमने कर दिया इसको कनेक्ट, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। ये जो है, ये एनोड जो है वो एल्यूमिनियम का ही आर्टिकल रखा जाता है जिस पर हमको लेयर चढ़ानी है ऑक्साइड की। अब हम जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट फिल करेंगे, क्योंकि कभी भी इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो उसके अंदर कोई ना कोई इलेक्ट्रोलाइट ज़रूर फिल करना है, तो हम यहाँ पे ले रहे हैं डाइल्यूट H2SO4। अब डाइल्यूट H2SO4 ले रहे हैं आप, ये एसिड है और डाइल्यूट का मतलब इसके अंदर पानी मिक्स है, वाटर इज ऑलरेडी मिक्स इन इट। तो जैसे ही जब हम स्विच ऑन करते हैं इसका, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी और इसके अंदर जो वाटर है इट विल ब्रेक डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन है इट विल गो टू एनोड, एनोड की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, एनोड की तरफ जाएगी। ठीक है, और एनोड पे जाके ये एल्यूमिनियम से रिएक्ट कर जाएगी। सेम यही रिएक्शन होगी, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन होगी एंड इट विल फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑन दिस एल्यूमिनियम आर्टिकल। इस एल्यूमिनियम आर्टिकल के ऊपर लेयर चढ़ गई है। अब हम इस बर्तन को बाहर निकाल लेते हैं और कोई सा भी कलर आप इसमें डाई करना चाहें तो किसी भी कलर में आप इसको डाई कर सकते हैं। तो एक बहुत ग्लॉसी लेयर आ जाती है, बहुत शाइनी लेयर इसके ऊपर आ जाती है। तो इसको बेसिकली कोरोजन को रोकने के लिए हम यहाँ पे इस लेयर का यूज करते हैं। ये तो था रिएक्शन विद एल्यूमिनियम। अब हम बात करते हैं रिएक्शन जिंक के साथ। जो सेम रिएक्शन होगी, जो जैसा रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ हो रहा था वैसा ही जिंक के साथ भी होगा। सेम जिंक ZN इट विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन ऑन हीटिंग। ठीक है, तो ये भी एक किसी एल्यूमिनियम के जैसे ही प्रॉपर्टीज भी होती हैं इसकी, जिंक ऑक्साइड बना देगा। हम कहते हैं कि जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि जैसे सोडियम का रिएक्शन कराया था तो सोडियम ने सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लिया था, सोडियम ऑक्साइड की जब हमने वाटर के साथ रिएक्शन कराई थी तो क्या बन गया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया था। ठीक है, ऐसे ही अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड की कराएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। इसी तरीके से अगर हमने पोटेशियम ऑक्साइड की रिएक्शन कराई थी वाटर के साथ तो क्या बन गया था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन गया था। यू क्या देख रहे हैं आप कि इस सब में OH आयन है, इसका मतलब क्या है, ये सारे बेस हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं मेटल के वो बेसिक नेचर के होते हैं, बिकॉज व्हेन दे आर डिजॉल्विंग वाटर दे आर फॉर्मिंग हाइड्रोक्साइड आयन और दे आर फॉर्मिंग हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इनके पास, सबके पास हाइड्रोक्साइड होने की वजह से ये एक बेस की कैटेगरी में भी आ जाते हैं, तो बेसिक ऑक्साइड है ये, तो इनका नेचर बेसिक है। लेकिन जैसे जैसे हम एल्यूमिनियम की साइड आते हैं, एल्यूमिनियम और जिंक के ऑक्साइड को कहा जाता है कि ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं। अब क्यों आप इनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कह रहे हैं, जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड दोनों ही एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते क्या हैं। क्योंकि आपका ये MCQs में भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड जिंक एंड एल्यूमिनियम फॉर्म। तो जिंक एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स बोथ आर एम्फोटेरिक इन नेचर, Al2O3। एक बेरिलियम ऑक्साइड भी होता है जो कि एम्फोटेरिक नेचर का होता है। ठीक है, सो एम्फोटेरिक का पहले मीनिंग देख लेते हैं। एम्फोटेरिक मतलब विच इज बिहेविंग लाइक एन एसिड और अ बेस। दोज ऑक्साइड्स विच बिहेव लाइक एन एसिड एंड अ बेस, दोनों की तरह। अभी तक के जितने भी हमने ऑक्साइड देखे वो बेसिक थे, वो बेस की तरीके से बिहेव कर रहे थे, लेकिन ये दोनों ऑक्साइड्स क्या हैं, ये एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं और बेस की तरह भी बिहेव करते हैं।
तो ये कैसे पता लगेगा कि ये एसिड की तरह भी बेस कर रहे बिहेव कर रहे हैं, और बेस की तरह भी, ये हम पता लगा सकते हैं इनकी रिएक्शंस करवा के। अगर ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है तो ये क्या करेगा, किसी बेस के साथ आप इसको रिएक्ट करा दीजिए, इसको सॉल्ट बनाना चाहिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देना चाहिए। और अगर ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है तो इसकी रिएक्शन अगर हम एसिड से करा दें तो फिर भी ये सॉल्ट बनाना चाहिए। तो हम रिएक्शन देख लेते हैं आप दोनों की, इसकी भी और इसकी भी, कि कैसे ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड की तरह बिहेव कर रहा है। तो पहले आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड्स होते हैं जो कि एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं। वाई हाउ दे आर एक्टिंग विद एन एसिड, व्हेन दे रिएक्ट विद बेस दे फॉर्म अ सॉल्ट, एंड व्हेन दे आर बिहेविंग लाइक अ बेस दे विल रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट। दोनों केसेस में सॉल्ट बनने चाहिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन उसको देना चाहिए। अब हम रिएक्शन देख लेते हैं कि कैसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड की तरह ये बिहेव कर रहे हैं। पहले एल्यूमिनियम ऑक्साइड देखेंगे और फिर देखेंगे हम जिंक ऑक्साइड को। ये है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दोनों की तरह बिहेव करेगा। तो पहले हम इसको एसिड के साथ, एज एसिड अगर ये बिहेव कर रहा है सो इट विल रिएक्ट विद द बेस। आप किसी भी बेस से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से हम इसका रिएक्शन करा दें, सॉल्ट बनाना चाहिए। क्या बनाता है ये, सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ है तो साथ के साथ इसमें वाटर भी बनेगा, ठीक है। इफ इट इज बिहेविंग लाइक अ बेस, अगर ये एज अ बेस वर्क कर रहा है सो इट विल रिएक्ट विद एन एसिड, तो इसको एसिड की तरह रिएक्ट के साथ रिएक्ट करेगा ये, और एसिड के साथ रिएक्ट करके भी क्या बनाएगा, एक सॉल्ट बनाएगा। तो क्या बना देगा ये, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर। तो हमने एग्जांपल में क्या देखा कि ये एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ये दोनों की तरह बिहेव करेगा, एक एज ए एसिड भी बिहेव करेगा और एज ए बेस भी बिहेव करेगा। इफ इट इज एक्टिंग लाइक एन एसिड इट विल रिएक्ट विद द बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। इफ इट इज लाइक बिहेविंग लाइक अ बेस इट विल रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो दोनों केसेस में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए ये एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। अगर हम देखें जिंक ऑक्साइड, ये भी दोनों की तरह बिहेव कर रहा है, ये एसिड की तरह भी बिहेव करता है और बेस की तरह भी। अगर ये एज एन एसिड बिहेव कर रहा है, सेम इट रिएक्ट विद द बेस टू फॉर्म सॉल्ट, सो ये फॉर्म करेगा सोडियम जिंकेट Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट जो कि एक सॉल्ट है प्लस वाटर। इफ इट बिहेविंग लाइक एन लाइक अ बेस, एक बेस की तरह अगर ये बिहेव कर रहा है, इट विल रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट, क्या बना देगा, जिंक क्लोराइड बना देगा एंड वाटर। सो जिंक क्लोराइड। तो ये दोनों रिएक्शंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि ये रिएक्शंस पूछी जा सकती हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते क्या हैं, उनको कैसे आप डिफाइन करेंगे, गिवन एग्जाम्पल कौन कौन से मेटल्स हैं जो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो बेसिकली एल्यूमिनियम एंड जिंक है, बेरिलियम ऑक्साइड की भी बात होती है, लेकिन रिएक्शन जो शो होती हैं वो इन दोनों ऑक्साइड्स की ही शो की जाती हैं, कैसे ये एसिड की तरह बिहेव कर रहे हैं और कैसे ये बेस की तरह बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये एसिड की तरह बिहेव करेंगे तो ये बेस के साथ सॉल्ट बना लेंगे, अगर ये बेस की तरह बिहेव कर रहे हैं तो इट विल रिएक्ट विद एन एसिड टू फॉर्म सॉल्ट। सेम यही रिएक्शन जिंक की भी हुई है। सो इट इज़ वेरी ईजी ऑल्सो, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे रिएक्शंस को लिख लिख के, हमेशा केमिस्ट्री में कभी भी आप देख के रिएक्शंस को लर्न नहीं कर सकते हैं। केमिस्ट्री में हमेशा आपको दोनों चीज़ें करनी है, आपको क्रैमिंग भी करनी है और आपको लॉजिकल भी जाना है, लॉजिक के साथ क्रैमिंग करनी है, क्योंकि लर्न तो करना ही है। देखो रिएक्शंस जो होती हैं वो हमेशा लर्न करने से ही आती हैं, रिएक्शंस को आप चेंज अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा सा ज़्यादा लॉजिक लगता है, लेकिन ये जो यहाँ पे अभी आप पढ़ रहे हैं इसमें आपको
जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको लर्न करने पड़ेंगे और इट शुड बी बैलेंस्ड ऑल्सो. अभी रिएक्शंस बैलेंस नहीं है, वो हम बैलेंस कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि हमेशा बैलेंस रिएक्शन ही आप लिखें. तो हमने रिएक्शन देखा जिंक का और एल्यूमिनियम का, ठीक है. अब हम और नीचे आते हैं, आयरन पे आ जाते हैं. अगर आयरन की रिएक्शन हो जाए ऑक्सीजन के साथ तो आयरन का ऑक्साइड बनेगा, लेकिन देखो आयरन जो है वो बर्न नहीं होता है. कभी भी आपने देखा नहीं होगा कि आयरन बर्न हो, आयरन केवल रेड हॉट तो हो जाता है, लाल रंग की उसमें से आएगा आयरन, रेड हॉट तो हो जाएगा, लेकिन आयरन कभी भी बर्न नहीं होता है. सो बहुत ज़्यादा हीट करने पे ये रेड हॉट हो जाएगा. सो विद आयरन when it react with iron it form Fe3O4. okay, so 6 Fe, 4 to 8, so this one is iron, oxygen, and this is iron 3 oxide. अब हमने पढ़ा क्या है कि आयरन की तो दो ही वैलेंसी होती हैं, एक फेरस और एक फेरिक. अगर हम फेरस की तरह देखें तो FeO बनेगा आयरन का ऑक्साइड, और अगर हम फेरिक देखें तो Fe2O3 बनेगा. लेकिन अगर हमें इन दोनों को मिक्स कर दें तो ये क्या बन जाएगा, Fe3O4. तो यहाँ पे जो बन रहा है इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ दिस एंड दिस. तो अगर MCQs में पूछा जाता है कि आयरन का कौन सा ऑक्साइड बनेगा और इन दोनों में से भी ऑप्शंस आ जाते हैं, तो आपको ये इन दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है. इफ़ ये वाला ऑप्शन है तो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन तो यही होगा, लेकिन अगर इन दोनों में से भी कोई ऑप्शन है और ये वाला ऑप्शन नहीं है तो आप इन दोनों में ऑप्शन, ये क्या है, ये फेरस ऑक्साइड है. क्योंकि आयरन की किसी भी चीज़ की जो स्मॉलर वैलेंसी होती है उसके आगे आप अस लगाते हैं, तो दिस इज़ फेरस ऑक्साइड एंड दिस इज़ फेरिक ऑक्साइड. जो हायर वैलेंसी होती है उसके आगे हम लगा देते हैं एक, तो इट बिकम्स फेरिक ऑक्साइड, और इन दोनों का मिक्सचर बन गया आयरन 3 oxide. ओके, नाउ सेकेंड एंड थर्ड ऑक्साइड कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि बिल्कुल 3 भी नहीं है इसकी वैलेंसी, ये मिक्सचर है, तो 2 and 3 oxide कह सकते हैं आप इसको. तो ऑक्सीजन जो है वो रेड हॉट हो जाता है, तो इसमें से प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग के बाद ही, बहुत ज़्यादा जब आप इसको हीट कर देते हैं तो इट बिकम्स रेड हॉट इन हॉट इन कलर एंड फॉर्म्स आयरन ऑक्साइड विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ 2 oxides. ओके, नाउ अब हम अगर और नीचे की तरफ आएँ आयरन से, अब हम हाइड्रोजन के अगर नीचे आ जाएँ तो कॉपर आ जाता है आपका, ठीक है. तो कॉपर जो है, क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी बहुत कम है तो ये बहुत जल्दी से तो होगा नहीं, तो विद कॉपर ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा देर तक आपको इसको गर्म करना पड़ेगा ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग, इट फॉर्म्स ऑक्साइड जो कि ब्लैक कलर का ऑक्साइड होगा. तो कॉपर व्हेन इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग, ये यहाँ आपको मेंशन करना पड़ेगा, इट विल फॉर्म कॉपर ऑक्साइड. So it, this copper oxide is black in color, black color का oxide है ये. तो ये reactions हमने देखी कि oxygen के साथ react करके अलग अलग metals जो हैं वो अलग अलग compound बना लेते हैं. तो अगर हम इसका reactivity series के according देखें तो sodium, then potassium, उसके बाद हम magnesium पे आए थे उसकी reactivity, then calcium, उसके बाद हमने देखा एल्यूमिनियम, देन जिंक, देन आयरन, और उसके बाद आपका आ जाता है कॉपर. यह है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी. जैसे जैसे हम रिएक्टिविटी सीरीज में आगे बढ़ते हैं तो हर एलिमेंट से जो है रिएक्शन की जो स्पीड है और जो रिएक्टिविटी है वो कम होती चली जा रही है. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. ओके, इन नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस द नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल. ओके, थैंक यू.